अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नूरुल मुल्ला और आप देख रहे हैं टाइम किंग गुरु। यह है 30 किलो का वेट मशीन और पार्ट का, और इसका प्रॉब्लम है वजन गलत दिखा रहा है। यह है 2 किलो का वेट, इसमें डालते हैं तो देखिए 2 किलो 203 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन यहाँ दिखाना चाहिए था 2 किलो। ये जो प्रॉब्लम है इसको कैलिब्रेशन करके सही करना है, तो चलिए कैलिब्रेशन सही करते हैं। इसके लिए मशीन को ऑफ कर लेना है, फिर यह है टायर बटन, टायर बटन को दबा के रखना है, फिर मशीन को ऑन करना है। ऐसा करते ही यहाँ क्या लिखा हुआ आ जाएगा, देखिए आ गया। फिर उसके बाद मूड बटन को दबाना है, कैल जीरो आ गया, फिर कुछ डिजिट आ गया, फिर और एक बार टिप दबा देना है, लोड लिखा हुआ आ गया। ये लोड लिखा हुआ है यानी मशीन को लोड दे देना है। यह है 2 किलो का परफेक्ट नीट वेट, यहाँ दे देते हैं। उसके बाद फिर से मूड बटन को एक बार दबाना है। अब यहाँ जो कुछ डिजिट लिखा हुआ आता है इसको 00 कर देना है, MR बटन से इसको दबाते रहना है जब तक 00 ना हो जाए। देखिए 00 हो चुका है। अब M+ बटन से, यह है M+ बटन, इससे यहाँ 2 लिखना है। एक बार दबाते हैं तो 1 आ गया लिखा, 2 बार दबाते हैं तो 2 आ गया। यहाँ 2 इसलिए लिखा कि इस प्लेटफॉर्म में जो वेट है, बटखरा है, यह 2 किलो का है, इसलिए यहाँ 2 लिखा। अब ये 2 को घिसकाते हुए यहाँ लाना है, फिर यहाँ 2 किलो बना देना है। MR बटन को एक बार दबाते हैं, 2 बार दबाते हैं, 3 बार दबाते हैं, तो ये 2 किलो हो जाता है। देखिए 2000 ग्राम यानी 2 किलो। उसके बाद मूड बटन को फिर से दबाना है, कुछ डिजिट आ गया, फिर से और एक बार दबाना है, डन यानी कैलिब्रेशन कंप्लीट। देखिए दोस्तों इसका कैलिब्रेशन कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों 2 किलो का 2 किलो वजन दिखा रहा है, 1 ग्राम अप या डाउन ये हो सकता है, लेकिन ये सही है। तो आज का वीडियो बस यही था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।